तो देखिए सुबह सुबह भेड़ बकरियां जा रही है और देखिए अपना मौसम पूरी तरह से खराब है। सुबह ना ये आ चुका अपना ब्रेकफास्ट, देखिए मानो दादा का ब्रेकफास्ट। देखिए मानो दादा क्या खा रहे हो आप। मौसम देखिए क्या सुहाना हो रखा है। सुबह बारिश आने का माहौल था, अभी देखिए बिल्कुल साफ। कोई कैमरा रोल हो रहा है भाई, कैम भी भाई इतनी जोर से बजाने ही मैं डर ही गया। कैम ही सॉरी। देखिए कुछ टाइम पहले यहाँ पे फ्लड आ रहा था और एकदम से अभी तो क्लियर पर फ्लड आया था और अभी देखिए बिल्कुल कुछ पता ही। हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग फिर से आ चुके एक नए ब्लॉग के साथ और नए एपिसोड के साथ और सुबह के 3 बज चुके और नए एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं सुबह के 3 बजे से। तो अभी ना सबसे पहले करते अपने कपड़े फ्रेश, उसके बाद नहाते धोते निकलते और आज हम लोग जाने वाले घर से सीधे होटल, यानी कि रात को हम लोग लोकेशन से सीधे होटल जाएंगे और होटल में रहेंगे क्योंकि अपनी लोकेशन अब बहुत दूर दूर है और आज नगर कैसल में 3rd डे यानी कि लास्ट डे। तो चलिए सबसे पहले कपड़े प्रेस करते हैं, उसके बाद फिर नहाते फिर निकलते लोकेशन के लिए। एक बात और, मनाली में अच्छी खासी बारिश लगी हुई है लेकिन अपनी जो शूटिंग है वो अभी तो अंदर होने वाली है लेकिन दिन तक मौसम साफ चाहिए क्योंकि जो कल की लोकेशन है वो आउटडोर है, अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो लगने वाली है भाई। तो देखिए अपना प्रेस का काम स्टार्ट हो गया है, अभी जैसे ही अपना प्रेस गर्म होता है तो करते हैं अपने कपड़े प्रेस और उसके बाद जाते हैं नहाने धोने। लोग निकल चुके हैं घर से, तो देखिए सुबह सुबह भेड़ बकरियां जा रही है और देखिए अपना मौसम पूरी तरह से खराब है। सुबह ना अच्छी खासी बारिश हुई थी, अभी फिलहाल थोड़ा सा मौसम टिका हुआ है, मुझे लगता है ऐसे ही रातों दिन तक आ जाएगा बट अपने सूर्य भगवान जी देखिए धीरे धीरे निकल रहे हैं तो मौसम साफ भी हो सकता है और आगे भी भाई भेड़ बकरियां आ रही है। तो पहाड़ों में ना बारिश और अब बर्फ आने का टाइम हो गया है तो धीरे धीरे करके जितनी भी भेड़ बकरियां सारी पहाड़ों पे थी धीरे धीरे करके उतर रही है नीचे। यहाँ पर देखिए कितनी सारी आ रही है, ये देखिए। ओ भाई कम से कम भी ना 300 से 400 भेड़ बकरियां होगी। तो फिलहाल निकल रहे हम लोग लोकेशन के लिए, तो आज लास्ट दिन रहने वाला है हमारा नगर कैसल में। आज शाम को चले जाएंगे सीधे होटल और कल से फिर से मनाली के इधर उधर शूट होने वाला है। और हम लोग ये बोल ही रहे थे कि सामने देखिए एक बार फिर से भेड़ बकरियां, भाई 2 लॉट आगे जा चुके हैं और 1 लॉट ये देखिए। ये देखिए पुलिस वाला बना हुआ हीरो अपना आज ये आ चुका अपना ब्रेकफास्ट, देखिए मानो दादा का ब्रेकफास्ट। देखिए मानो दादा क्या खा रहे हो आप। ब्रेड ऑमलेट बस इतना ही हमारा। देखो क्या है, पता नहीं क्या क्या जितना जरूरी है उतना खा रहा हूं। क्या बोल रहे हो, खाने के लिए जितना जरूरी है उतना खा रहा हूं। अच्छा मौसम देखिए क्या सुहाना हो रखा है। सुबह बारिश आने का माहौल था, अभी देखिए बिल्कुल साफ। यहीं पर फ्लड आया था और अभी देखिए बिल्कुल कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि फ्लड आया था। कुछ टाइम पहले यहाँ पे फ्लड आ रहा था और एकदम से अभी तो क्लीन है, साफ आसमान और रास्ते ना ऐसे चकाचक बन रहे A1 वाले। तो हम लोग बैठे हुए रूम के अंदर मस्त वाला मैच देख रहे हैं, टीवी लगा है देखिए और अपने साथ कोई भी नहीं, अकेले बैठे मस्त पूरे अपने हॉल में रेस्टोरेंट के अंदर। कोई कैमरा रोल हो रहा है भाई, कैम भी भाई इतनी जोर से बजाने ही मैं डर ही गया। क्या नहीं सॉरी। देखिए तो अभी मैं ऊपर बैठा हूं, क्या रोल होता जा रहा है। अभी मैंने रेस्टोरेंट एरिया में बैठा हूं। शोगन है क्या यहाँ से, देखिए नज़ारा क्या दिख रहा है। अभी मैं ना रेस्टोरेंट एरिया में बैठा हूँ और नज़ारा देखिए यहाँ से सीधे ऐसे बाहर निकलते हैं। दिन के 1 बज चुके हैं और थोड़ी देर हो जाएगा अपना लंच, थोड़ी देर में अपना लंच हो जाएगा, थोड़ी देर में अपना लंच हो जाएगा। इतनी जोर जोर से बज रहा था भाई, देखिए क्या मस्त लग रहा है ना। तो आज हम लोग जाने वाले होटल को और मौसम साफ हो चुका है, मैंने सोचा बारिश आएगी बट आई नहीं बारिश, तो अच्छी बात है एकदम से क्लियर मौसम, अब हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं, साफ आसमान है कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए रात के 10 बजने वाले, फिलहाल अभी तक पैकअप नहीं हुआ है तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब जैसे पैकअप होगा और हम लोग होटल की तरफ निकलेंगे।
बहुत हेडेक वाला दिन है और ऐसे सर में ना दर्द हो रही है। तो चलिए वेट करते हैं कब जैसे पैकअप होगा और हम लोग निकलेंगे।